पेरिस ओलंपिक में खुला भारत का खाता, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। ओलंपिक मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला शूटर बनी मनु भाकर, कहा ईश्वर में विश्वास रखें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। मनु भाकर से पीएम मोदी ने फोन पर बात की, जीत की बधाई दी। मनु भाकर को राष्ट्रपति मुर्मू, अमित शाह समेत कई लोगों ने दी बधाई, भाकर की उपलब्धि पर जताया गर्व। IOC मेंबर नीता अंबानी ने भी मनु भाकर को दी बधाई, कहा भाकर की उपलब्धियां युवा एथलीट्स को प्रेरित करेंगी। मनु भाकर के पिता ने जताई उम्मीद, कहा बचे हुए दोनों इवेंट में अच्छा प्रदर्शन करेंगी। मनु ने सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है, सीएम नायब सैनी का बयान। विमेन्स सिंगल्स में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु की दमदार शुरुआत, मालदीव की फातिमा नबाहा को 21-9 21-6 के सेट से मात दी। पीवी सिंधु का अगला मैच 31 जुलाई को होगा, एस्टोनिया की क्रिस्टिन कुबा का करेंगी सामना। रोइंग पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे बलराज पवार, 30 जुलाई को होगा मुकाबला। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने ओलंपिक में किया विजयी आगाज, राउंड ऑफ 32 में बनाई अपनी जगह। बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की दो दिवसीय की बैठक हुई खत्म, मुख्यमंत्रियों ने दिया प्रेजेंटेशन। बैठक में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, सुशासन के एजेंडे और विकास कार्यों को लेकर बात हुई। बैठक में पीएम मोदी ने जताया विश्वास, कहा केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे तो विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होगा। बैठक में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के उपायों पर भी चर्चा की। बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक को शिक्षा मंत्री ने भी किया संबोधित, नई शिक्षा नीति पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा जातियों के आधार पर कांग्रेस समाज को बांटती है। सपा ने ब्राह्मण चेहरे को दी बड़ी जिम्मेदारी, यूपी विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को बनाया गया नेता प्रतिपक्ष। सपा जाति की राजनीति नहीं करती, विधानसभा में जनता की आवाज उठाएंगे, माता प्रसाद पांडे का बयान। माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा सत्र की बनाई रणनीति, कहा कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। सपा विधायकों के साथ अखिलेश यादव ने बैठक की, रविदास मेहरोत्रा बोले विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाएंगे। कल से 2 अगस्त तक चलेगा यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र, 30 जुलाई को बजट पेश करेगी सरकार। मॉनसून सत्र से पहले यूपी सरकार ने की सर्वदलीय बैठक, मंत्री ओपी राजभर बोले जनता के सभी मुद्दों पर होगी बात। विधानसभा सत्र को लेकर बोली BSP चीफ मायावती, भाजपा अपने अंदरूनी कलह को अलग रखकर सदन चलाए तो जनता के हित में होगा। बुलडोजर एक्शन पर बोली मायावती, लोगों को उजाड़ने की बजाय लोगों के जीवन सुधारने पर ध्यान दे सरकार। यूपी की जनता ने मन बना लिया है, अगले चुनाव में बीजेपी की विदाई तय है, यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान। शिवसेना नेता भावना गवली का दावा, महाराष्ट्र की दोबारा महायुति की सरकार बनेगी। NCP चीफ अजित पवार का प्लान, महाराष्ट्र चुनाव से पहले निकालेंगे जनसंवाद यात्रा। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले बीजेपी नेता प्रकाश मेहता, चुनाव जीतने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। मुडा स्कैम के खिलाफ कर्नाटक बीजेपी और JDS की संयुक्त बैठक, पदयात्रा की बनाई रणनीति। बैठक के बाद बोले कर्नाटक बीजेपी चीफ विजेंद्र येदियुरप्पा, सिद्धरमैया सरकार में हुए घोटालों पर चर्चा हुई। हरियाणा के रोहतक में सुनीता केजरीवाल ने की जनसभा, कहा ईश्वर चाहते हैं सीएम केजरीवाल कुछ करें। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की हुई बैठक, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बात की। बैठक में गठबंधन की संभावना और मैनिफेस्टो पर भी बात, कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा ने दी जानकारी। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, पेरिस ओलंपिक में शामिल एथलीट का देशवासी बढ़ाएं उत्साह। प्रोजेक्ट परी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में नए कलाकारों को मौका मिलेगा। पीएम ने लोगों से खादी कपड़ा पहनने की अपील की, कहा खादी का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ के पार पहुंचा। पीएम बोले भारत को ड्रग्स फ्री देश बनाना है, ड्रग्स पर सरकार ने विशेष मानस केंद्र खोला है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में JP नड्डा, अमित शाह ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। 1 से 3 अगस्त तक राज्य संग्रहालय सम्मेलन का होगा आयोजन, भारत मंडपम में संस्कृति मंत्रालय करेगा आयोजित। भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है, भारतीय सेना दुनिया की किसी सेना से कम नहीं, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बयान। संजय सेठ बोले 10 साल पहले हम दुनिया से हथियार खरीदते थे, अब हम 70% का आत्मनिर्भर हो चुके हैं। लोकसभा में गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने पेश किया प्राइवेट बिल, भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। भोजपुरी सिर्फ बेकार गानों के बारे में नहीं है, इसके समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को बढ़ावा देने की जरूरत, रवि किशन का बयान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, स्पेशल पैकेज से बिहार के विकास को गति मिलेगी। बिहार में NDA की सरकार बनने पर प्रदेश विकास के रास्ते पर आया है, नित्यानंद राय का बयान। बजट में भेदभाव से समावेशी विकास संभव नहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई बोले केंद्रीय बजट में नॉन बीजेपी स्टेट के साथ धोखा हुआ, पीएम की चिंता कुर्सी बचाने की है। नीति आयोग की बैठक में सीएम ममता को बोलने नहीं दिया गया, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, शिवसेना UBT नेता संजय राउत का बयान। नीति आयोग की बैठक में सीएम ममता अधिक समय मांग सकती थी, उनका माइक बंद नहीं किया गया था, केंद्रीय मंत्री खट्टर का बयान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, कला आक्रामक तरीके से सीएम ममता नीति आयोग की बैठक से निकली थी, ये व्यवहार गलत था।
मीटिंग में शामिल होकर इंडिया ब्लॉक के सीएम को अपनी बात रखनी चाहिए थी, चिराग पासवान का बयान। सीएम ममता जैसे लोग हमेशा विवाद करना चाहते हैं, उनका माइक बंद नहीं किया गया था, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार का बयान। बजट पर बेंगलुरु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बजट में युवा और एमएसएमई सेक्टर पर जोर दिया। मोदी सरकार में कर्नाटक का सेंट्रल फंड बढ़ाया, वित्त मंत्री ने कांग्रेस को दिया जवाब। वित्त मंत्री सीतारमण ने कर्नाटक सरकार को घेरा, महंगाई और खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया। अनुराग ठाकुर ने बजट पर चंडीगढ़ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रेल, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। जापान के टोक्यो में अमेरिकी विदेश मंत्री से मिले भारत के विदेश मंत्री, द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा। एनटीए ने एसईईटी यूजी का रिजल्ट किया जारी, 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने हाइब्रिड मोड में एग्जाम दिया था। दिल्ली में यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत का मामला, राव कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर की कोर्ट में हुई पेशी, दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हादसे की जांच में पूरा सहयोग करेंगे, राव कोचिंग ने दिया भरोसा। राव कोचिंग हादसे में बड़ा खुलासा, बेसमेंट के स्टोरेज बनाने की इजाजत दी गई थी लेकिन लाइब्रेरी बना रखी थी। हादसे के बाद छात्रों में भारी आक्रोश, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग समेत कई इलाकों में दिल्ली सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। ओल्ड राजेंद्र नगर के प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग, हादसे की सीबीआई जांच हो। करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। प्रदर्शनकारी छात्रों से मिली बीजेपी नेता शाजिया इल्मी, कहा विधायक दुर्गेश पाठक और मेयर शैली ओबरॉय से सवाल होने चाहिए, दिल्ली सरकार कभी एलजी तो कभी किसी दूसरे को कोसती रहती है, शाजिया इल्मी ने निशाना साधा। प्रदर्शनकारी छात्रों से मिली आप सांसद स्वाति मालीवाल, कहा छात्रों की मौत आपदा में नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है, दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, स्वाति मालीवाल ने मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों को एडिशनल डीसीपी सचिन शर्मा ने दिया भरोसा, कहा कानूनी रूप से जो भी संभव होगा वो हम करेंगे। एमसीटी मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर एबीवीपी का प्रोटेस्ट, शैली के पोस्टर पर पोती गई कालिख। मेयर शैली ओबरॉय का एमसीटी कमिश्नर को आदेश, बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि करने वाले कोचिंग सेंटर पर एक्शन लें। कोचिंग हादसे पर बोले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का सवाल, बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? केजरीवाल सरकार पर बरसे वीरेंद्र सचदेवा, कहा पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया, पिछले 2 महीने से हम ड्रेनेज सफाई नहीं होने का मुद्दा उठा रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई, वीरेंद्र सचदेवा का आरोप। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का बयान, राव कोचिंग में 3 छात्रों की मौत आपराधिक लापरवाही का मामला है। कोचिंग हादसे पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, ये प्राकृतिक हादसा नहीं मानव निर्मित हादसा है। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी का बयान, दिल्ली कोचिंग हादसे से एमपी के सीएम सबक लें। जीतू पटवारी बोले बारिश के समय एमपी के कई स्कूलों की छतें टपकती है, स्कूलों में पानी तक भर जाता है। कानपुर के गोविंद नगर में अवैध मकान और झोपड़ियों को खाली करने का मामला, विधायक सुरेंद्र मैथानी ने लोगों को दिया आश्वासन, बुलडोजर नहीं चलने देंगे। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सिंचाई विभाग को दी धमकी, कहा बुलडोजर लेकर आए तो नहर में घुसेड़ दूंगा। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले सुरेंद्र, मैंने अधिकारियों को कुछ गलत नहीं कहा, अधिकारी षड्यंत्र रच रहे हैं। पंजाब स्वास्थ्य विभाग को मिले 58 नई एम्बुलेंस, सीएम मां ने चंडीगढ़ में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंजाब में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं, सीएम मां का बयान। सीएम मान ने दिया भरोसा, कहा पंजाब के नए गवर्नर गुलाब चंद कटारिया के साथ मिलकर काम करूंगा। नवी मुंबई में 22 साल की लड़की का गैंगरेप और हत्या का मामला, स्थानीय लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लखनऊ के अमीनाबाद में एक इमारत में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का किया भांडाफोड़, 1 करोड़ कैश के साथ 2 विदेशी तस्कर अरेस्ट हुए। 15 से 27 जुलाई तक मुंबई एयरपोर्ट से 7 यात्री अब तक पकड़े गए हैं, 20 किलो से ज्यादा सोना भी बरामद हुआ है। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ एक्शन, एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। वाराणसी के गंगा घाटों पर नावों का संचालन बंद, तेज हवा के चलते फैसला लिया गया। बीएसपी चीफ मायावती का बयान, यूपी के बाढ़ प्रभावितों को तत्काल सरकारी मदद की जरूरत लेकिन सरकार का उदासीन रवैया चिंता का विषय। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश के चलते आई बाढ़, प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य जारी। कोल्हापुर में सड़कें बनी तालाब, लोगों के घरों में पानी घुसा, लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। नागपुर में वेना बटगांव डैम के 21 गेट खोले गए, प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के पनवेल में लगा लंबा जाम, शेडुंग पनवेल बाईपास से पनवेल शहर तक ट्रैफिक बाधित। जम्मू में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव, यातायात बाधित हुआ। बांग्लादेश में 10 दिन बाद इंटरनेट सेवा बहाल, हिंसा की वजह से किया गया था बंद। महिला एशिया कप में श्रीलंका ने रचा इतिहास, भारत को 8 विकेट से हराकर पहली बार चैंपियन बनी।